सरकार द्वारा नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत मंगलवार को उपमंडल मुख्यालय सलूनी पर खंडस्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य कोऑर्डिनेटर नार्कोटिक्स ओपी शर्मा द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नारा है कि नशा मुक्त प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बने, जिसके लिए सबको मिलकर इस मुहिम में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि समाज से नशे के खात्मे के लिए इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। इस मुहिम को सफल बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों का अहम रोल है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी कई तरह के नशे के गर्त में डूबती जा रही है, उसे हम सबको मिलकर बचाना है, तभी नशा मुक्त प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बन सकेगा। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष धर्म सिंह पठानिया, खंड समिति सलूनी अध्यक्ष खनीश कुमार, उपाध्यक्ष योग सिंह गौतम, तमाम पंचायत प्रधान मौजूद रहे। हिमाचल तेज खबर के लिए सलूनी से विक्रांत ठाकुर की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का एक नारा है, नशा मुक्त हिमाचल स्वस्थ हिमाचल। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और उनका विजन भी है कि ये एक जब तक जन आंदोलन का रूप नहीं ले लेता है, तब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे कोई भी प्रदेश। और जन आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा अहम रोल इसमें होता है। ये बात आज पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी कही कि साहब, हम इस आंदोलन में पार्टी लाइन को छोड़ करके बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को समझते हुए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग सब इकट्ठा हैं और इस जो आने वाली जो ये चुनौती है, इस चुनौती को लड़ने के लिए वो तैयार है। आपने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ है, वो पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसा बोर्ड है, तो ये सोच कहाँ से क्या? नहीं, मैं विश्व की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भारत में इस तरह का नशा निवारण बोर्ड का गठन कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का ही ये एक प्रयास है, उनके अथक प्रयासों का ही ये नतीजा है कि इस तरह के एक बोर्ड का बोर्ड की स्थापना की गई है, और जिसमें जितनी भी लाइन एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर्स एजेंसीज हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जिन्होंने समाज में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं या मीडिया में किए हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और अभी और भी उनका ये प्रयास है कि ऐसी कोई सामाजिक संस्थाएं या कुछ एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ नार्कोटिक स्टडी एनालिसिस है या और कोई इस तरह की कोई अच्छी संस्थाएं जो इसमें विशेष करके योगदान दे सकती हैं, उनको भी नशा निवारण बोर्ड में लाया जाएगा, ऐसा सरकार का भी प्रयास चल रहा है। सर, इस तरह की समितियाँ क्या पंचायत स्तर पर या वार्ड स्तर पर भी बनाएंगी आप? देखिए, मैं इस समस्या से 2002 से जुड़ा हुआ हूँ और 2002 से ये सारे कार्यक्रम उस वक्त आरंभ किए गए प्रदेश के अंदर। हम समितियाँ भी बनाते हैं, इससे पहले बोर्ड से पहले एक स्टेट लेवल एपेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो राज्य स्तरीय एक उसका गठन हुआ था, लेकिन उसमें अंततः कुछ नहीं हो पाया और वो समिति भी ख़त्म हो गई। तो मैंने उसमें ये समझा कि कोई भी समिति हो, अब वो ऐसी समिति बने धरातल पे जहाँ पे व्यक्ति अपना रोल उसको समझे और वो अपने आप को समाज से आइडेंटिफाई करे, और ये जो ज्वलंत मुद्दा है युवाओं को बचाने का और जो भविष्य में आने वाली चुनौती है उसको लड़ने का, वो खुद पहले समझे, खुद अपने आप को यदि कोई किसी सब्सटेंस का वो यूज़ करता है, किसी तरह का नशा करता है, पहले उसको छोड़े, अपने परिवार में एक संदेश दे और उसके बाद अपने पंचायत अपने वार्ड की तरफ हो जाए और इकट्ठे होकर के जब सामूहिक तौर पे जब प्रयास चलेगा। है तो बड़ा कठिन, क्योंकि इसमें कौन कितना परिश्रम करता है, कौन कितना इसको अच्छी तरह से समझ लेता है, ये हमारा जो सक्सेस रेट है वो उसी पर निर्भर करेगा।